हम लोग श्री गुरु पाद का स्तोत्रम सब मिलके पढ़ेंगे। लिरिक्स आपको मिल जाएंगे, उसको देखते हुए आप पढ़ते रहिएगा। ये आदि शंकर ने अपने गुरु के लिए लिखा था। गुरु चरण की महिमा तो सबने गाई, लेकिन शंकर इस मामले में बिल्कुल विलक्षण हैं कि उन्होंने जिस पादुका को गुरुदेव पहनते हैं उस पादुका को सन्मुख रखते हुए उन्होंने ये सारा स्तोत्र लिखा था। अब ये उनके खड़ाओं की उपमा नहीं है, लेकिन खड़ाओं का सिंबल लेकर के कैसे वो गुरु की करुणा, गुरु का ज्ञान, गुरु की दया, गुरु कैसे अपने शिष्य की रक्षा करता है, ये सब जो है उन्होंने इसके साथ जोड़ा। पादुका माने हमारे पैर हमारे शरीर का आधार है, राइट? कैसे खड़े होंगे? पांवों पर। तो ज्ञान जो है वो शिष्य के जीवन का आधार है, इसलिए गुरु के उन चरण पादुका मतलब गुरु के उस ज्ञान आधार की वो महिमा गाते हैं। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं अगेन सिंबलिज्म के महत्व को। तो यहां गुरु के चरण में पहनी जाने वाली उस खड़ाओं को सन्मुख रखते हुए आदि शंकर ने अपने श्री गुरुदेव की जो महिमा गाई है, मैं समझती हूं कि शास्त्रों में अनेक प्रकार की हमें गुरु वंदन मिलती है, पर इस वंदना में कुछ खास ही खुशबू है, कुछ खास ही बात है। ए यशिता, प्रश्न है, मुझे नहीं पता क्या ये प्रश्न है भी या नहीं, पर ये जानना चाहती हूँ इस आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई और इस मन में विचार क्यों आता है। पहली बात, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है और कभी नहीं हुई। कारण, जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसका फिर विनाश भी होगा, ये रूल है। तो जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई इसलिए उसका नाश भी नहीं होता है। जिसे हम द ट्रू सेल्फ या आत्मा कहते हैं, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। एक ही व्यापक सत्ता को हम अपने मन की दृष्टि से आत्मा कहते हैं, लेकिन विज्ञान ये कहता है, वेदांत विज्ञान ये कहता है, आत्मा ही ब्रह्म है। अब परमात्मा का कब जन्म हुआ? कोई भी वस्तु उसमें ये गुण आ जाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये सिल्वर बॉक्स मुझे प्राप्त हुआ, बट ऑब्वियस ये सिल्वर बॉक्स कहीं बना होगा, राइट? बनने के बाद इस्तेमाल जब करते हैं तो धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल ही टूट फूट जाए, इसका ये जो अंदर स्प्रिंग लगा है वो ही निकल जाए। जब ये टूट जाएगा तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया तो हम इसको फिर छोड़ देंगे, माने इसकी मौत हो गई। आप्य, कोई भी दुनिया की चीज जब आपको मिलती है, उत्पत्ति वो पैदा हुई, वृद्धि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं वो बढ़ती है, विकार उसमें कोई ना कोई रोग आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी। जैसे लोहे का कुर्सी था, एल्युमिनियम का मेज था, आप यूज कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया वो भी खराब हो जाता है। जब कार बेकार हो जाए तब उसको बेच देते हैं। अब कार बेकार क्यों हो गई? क्योंकि पड़ी पड़ी या यूज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जहां वो खत्म हो जाएगी, खटारा हो जाएगी, फिर वो लोहे के भाव में स्क्रैप में बिक रही होगी। ठीक इसी तरह से हमारा शरीर हमको मिला, कब मिला? जब ये बना, राइट? अब इस शरीर में वृद्धि हो रही है। आप 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, तुम्हें कई लड़कों के तो मूछ भी नहीं आई थी तब, फिर आया चेंज तो मूछें आपकी आ गई, हाइट आपकी बढ़ गई, वजन आपका बढ़ गया,
आपकी जो बॉडी मेजरमेंट्स है वो चेंज हो गए, तो इसको हम कहते हैं वृद्धि। यही जब आपका शरीर 50 या 60 का हो गया फिर क्या है, वैसे तो आजकल थोड़ा और कम कर दूं मैं, 40 एक्चुअली और कम करूं, 30 थोड़ा सा और, 25। जेनेटिक साइंस एंड मेडिकल साइंस इस बात की अब पुष्टि कर रहे हैं कि 25 के बाद एक्चुअली इट्स डाउन द हिल नाउ। जितनी वृद्धि होनी थी वो 18 साल की उम्र तक हो गई। 18 से 25 में बहुत थोड़ी चेंजेस आती हैं, एक्चुअली आफ्टर 25 वो सब नीचे ही नीचे जा रहा है। खान पान गलत है। हाँ, आपकी एक बड़ी खासियत है इस जनरेशन की, दिन में तो यहां जाना है वहां जाना, यहां कोचिंग वहां कोचिंग, यहां ट्यूशन वहां ट्यूशन, पता नहीं कितनी ट्यूशन। तो पढ़ाई कब करते हैं, रात को 12 बजे। ऑब्वियसली जब सोएंगे 2-3 बजे, एंड थैंक्स टू द फूड डिलीवरीज विच आर हैपनिंग इन इवन स्मॉल टाउन्स, ऑर्डर करो मंगाओ, रात को खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोला चल रहा है, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। अचानक रात को भूख लग जाती है, फिर खाने बैठ जाते हैं, फिर खाते खाते में बातें करते करते में कब सुबह के 3-4 बज गए पता ही नहीं चला। जब दुनिया सोती है आज के स्टूडेंट जागते हैं, जब दुनिया जागती है आज के स्टूडेंट सो रहे होते हैं, और इससे आपका सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है। विच मीन्स आफ्टर अ टाइम जब आप सोना भी चाहेंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। बहुत से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप जब सोना चाहिए तब सोते नहीं हैं, तब आप जाग रहे हैं। कॉफी क्या है, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब दिमाग को स्टिमुलेट कर देता है। उसमें डाली आपने चीनी, एक दो लड़के मैंने देखे वो कॉफी पीने लगे, बोले कितने चम्मच डालूं, बोले यार 4 डाल दे, बोले 4 क्या मेरे 5 डाल दे, तीसरा बोला अरे 10 ही डाल दे, मैं कहा सब छोड़ मेरे तो 12 डाल। इतने से कप कॉफी में 12 चम्मच चीनी पी के उनको बड़ा आनंद आ रहा। अब आप ये जानिए कि अगर आप इतनी शुगर ची पीते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका HbA1c खराब हो जाएगा। इसके खराब होने पर सबसे ज्यादा जो इस देश में आज की तारीख पे समस्या है वो है डायबिटीज मेलिटस। ये कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज 2 हो रही है, और फिर तुम्हें पता है उसके बाद तो फिर चीनी बंद। फिर कहते कोई बात नहीं, हम शुगर फ्री लेते हैं, हम स्टीविया लेते हैं, हम ये लेते हैं, हम वो लेते हैं, पर आपको मैं बताऊं, हमारे पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम को जरा भी पता नहीं कि तुमने स्टीविया लिया है या तुमने शुगर फ्री लिया है या तुमने शुगर ली है। जैसे ही अंदर गया, चाहे किसी ब्रांड का हो किसी कंपनी का हो, आपका स्टमक उसको शुगर की तरह ही देखता है और उसी तरह प्रोसेस करता है। तो बताइए इसमें फायदा हो रहा है कि नुकसान। अब वो कह रहे शुगर फ्री केक, शुगर फ्री पेस्ट्री, शुगर फ्री जलेबी, मैं तेरा दिमाग खराब। So, कौन खाता है शुगर फ्री, ऐसी बुरी सी चीज होती है। कहीं एक टाइम ऐसा आया जो यहाँ आए ना तो वो ये नहीं शुगर फ्री लाए, मैं मुझे कौन सी शुगर है, तो शुगर वाली ला, ये नहीं हम खाते। अच्छा अब वो लाएंगे तो क्या लाएंगे, प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर, मैं हम ये नहीं खाते। इसलिए यहाँ आश्रम में मिठाई हम यहीं बनवाते, पनीर हम यहीं बनवाते। आपने अगर आपने कितनों ने हमारा मिलेट्स के ऊपर वीडियो देखा है, प्लीज डू वॉच दैट। 3 वीडियोस हैं, उन मिलेट्स के ऊपर आपकी एक बार समझ पड़ गई तो उसके बाद आप सिवाय मिलेट्स के और कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज हाई फाइबर आपको इससे मिलता है एंड लॉट ऑफ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलेट्स से मिलते हैं।
और उससे रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, उससे आप कुछ बनाओ, आप पुलाव बनाओ, उससे आप पोहा बनाओ, जो मर्जी बनाओ। यहाँ बनता है अपने सामने, हमारे जितने भी मेरे साथ कई वर्षों से रह रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट कुक्स, है ना, सब बहुत अच्छा बनाते, बाजार का पसंद नहीं करते। जैसे मैंने उस दिन भी बात करी थी, वो जिसको कहते हैं पूजा वाला घी, हाँ समझे, पूजा बड़ा खतरनाक है ये पूजा वाला घी। आपको मिल जाएगा वो 800-700 रुपया टीन पर, उसमें घी नाम की कोई चीज है नहीं, सुअर भैंस की वो चर्बी है जिसमें उन्होंने कलर डाल दिए है, बिल्कुल दानेदार बना देंगे, खुशबू भी आएगी और लोग उसको खरीदते हैं। आप अपनी मम्मी से कहिएगा कि 1 किलो फुल क्रीम दूध में से मक्खन निकाल के उसका घी बनाएं और कैलकुलेट तुम लोग कर लेना कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, और इतनी कॉस्ट में आपको घर में कभी नहीं मिल सकता है। अब ऐसे तो हम शाकाहारी हैं, लेकिन बाजार की वो बनी हुई चीज का क्या भरोसा है कि उन्होंने वो शुद्ध घी, शुद्ध शुद्ध भी है या नहीं, कि शुद्ध भी अशुद्ध ही था, हाँ कैसे ले ले हम, कैसे खा ले हम, वी नीड टू सी दिस। मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब आप अच्छा घी खाते हैं, नाउ दिस विल बी शॉकिंग, जब आप शुद्ध देसी घी अच्छा वाला खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। सेकेंडली, आपका लिवर फंक्शन ठीक होता है, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज करिए, बढ़िया होगी, आप रनिंग करना चाहते हैं वो अच्छी होगी, आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है जब आप जंक फूड खाते हैं, जब आप रात को जागते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं। 1 कप कॉफी दिन के समय में वंडरफुल, बड़ी अच्छी कॉफी हम खुद बनाते हैं, पीते हैं, बहुत स्वाद से पीते हैं, एवरीबडी नोज दिस ना, जो जो कॉफी ब्रू हो रही होती है ना, वो जो उसकी सुगंध आती है बहुत प्यारी लगती है। लेकिन आप रात को जाग के अगर 4 कप 3 कप कॉफी पी रहे हैं तो आपके शरीर में इतना स्टिमुलेंट चला जाएगा विच विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर होल सिस्टम, स्पेशली आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसलिए वो देखा है जो आंखों के नीचे ऐसे फफोले बन जाते हैं, फूली फूली सूजी सूजी आंखें, भाई क्या सूजी का हलवा खाया था तूने, ये क्या हो गया है। फिर लड़कियां रोती हैं, मेरे ब्लमिशेज हो गए, मेरे पिंपल हो गए, मैं क्या करूं, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, वो आजकल क्या है, फिल्टर है ना फिल्टर। मुझे यूज नहीं करना आता, मुझे मालूम नहीं कैसे, पर सुन सब रखा है, वो फिल्टर लगा के सुरसा भी मेनका दिखती है फिर। अरे कुछ कर लो, स्किन टोन बदल लो, आंखों का रंग बदल लो, बाल लंबे कर लो, कुछ कर लो, मोटे मुंह को पतला कर लो, डिंपली मुंह को साफ कर लो, और उसके बाद बड़ी खुश होती, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं ना। लड़का लोग सावधान ये फेसबुक का खाली प्रोफाइल देख करके कहीं लट्टू मत हो जाना, यहां असली मिलता, देसी घी नहीं असली मिलता बिना फिल्टर वाली फोटो, हाँ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जल्दबाजी में मजनू बन के कपड़े मत फाड़ लेना, मम्मी यही चाहिए, ये गलती मत कर लेना। ए, इनकी भी करतूत सुनो, आजकल स्टिकर आ गया है 6 एब्स वाला स्टिकर लगाओ, फोटो खिंचाओ, बेवकूफ बनाओ, क्या पागल हो गए हैं। यू आर एक्चुअली अ वेरी वेरी बॉडी ऑब्सेस्ड जनरेशन। एवरीथिंग इज अबाउट लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज अबाउट राइट कंटूरिंग, एंड एवरीथिंग इज अबाउट, मेरे बाल उड़ रहे हैं क्या,
एक एक दिखना चाहिए, एक 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 एक. मेरे एब्स अच्छे दिखने चाहिए, मेरे मसल अच्छे दिखने चाहिए. हाँ, वो कौन है ये लड़का, एक हमारा यहाँ पे बच्चा है, वो मॉडलिंग करता है, तो वो अपनी ना ऐसे देखता रहता है, तिखी हुई नहीं हुई जॉलाइन, इट शुड बी वेरी शार्प. नहीं तुमने सब्जी काट दी उससे. शार्प जॉलाइन चाहिए, क्या करना है भैया उससे. हाँ, वाय बट शार्प जॉलाइन हो और ये हो और वो हो, और बस पूरे टाइम इस नकली दिखावे की दुनिया में पगलाते रहो. पर याद रहे, रात जागने से बेहतर है आप जैसे यहां पर सो जाते हैं. आई होप सो. आई डोंट नो वेदर यू डू इट और नॉट, बिकॉज हम आपकी प्राइवेसी नहीं ट्रांसग्रेस कर रहे, इसलिए मुझे नहीं मालूम तुम सोते हो कि व्हाट्सएप पे हो कि फेसबुक पे हो कि क्या कर रहे हो. लेकिन अगर आप 9:30 और 10 के बीच में सो जाते हैं तो आप आसानी से 4:30 बजे उठ जाते हैं. वेल रेस्टेड ब्रेन इज नाउ रेडी टू लैप अप द नॉलेज एंड वट एवर यू विल देन स्टडी इन बिटवीन से 4:30 to 7. एक बार पढ़ोगे वो दिमाग में घुस जाएगा और फिर निकलेगा नहीं एग्जाम तलक. एक्चुअली एग्जाम के बाद भी नहीं निकलेगा.